हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज, मेरा सोमवार को एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या था कि मैं ड्यूटी के लिए तैयार हुआ और उसके बाद यहाँ से बाइक से चला गया। यहाँ से 500 मीटर ही गया था, यहाँ पे सेक्टर 12 वाला चौक है उससे थोड़ा सा आगे गया था, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हुआ कुछ यूँ, जैसे आपने मेरी एक पुरानी वीडियो में देखा होगा। तो वहाँ पे क्या था कि मैं अपनी साइड में चल रहा था, लेकिन एक गाड़ी वाला तुरंत मेरी साइड में आ गया था, वहाँ पे भी बजते बजते रह गया था। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हुआ, लेकिन वो इस बार पिछली साइड से हुआ। तो हुआ ये हूँ कि मैं अपनी साइड से चल रहा था, ठीक है, तो मेरे को जाना था जीटी रोड की तरफ। वहाँ पे जो जीटी रोड में साइड रोड होते हैं, साइड रोड से जो जीटी रोड में ऐसे शॉर्टकट बना रखे हैं, वो उसी तरह से शॉर्टकट है वहाँ पे। तो मैं उस शॉर्टकट से जीटी रोड की तरफ जा रहा था, लेकिन पीछे से मैं ब्रेजा आ गई, बहुत फास्ट आ रही थी वो ब्रेजा। तो उस ब्रेजा ने गलती मेरी ये हुई कि मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। ब्रेक तो लगाई, ब्रेक का इंडिकेटर उसको देख रहा होगा कि ब्रेक लगा दी बंदे ने, लेकिन हुआ क्या कि शायद उसको भी ऐसा लगा कि ये सीधा आगे ही जाएगा, तो वो उसी स्पीड में रहा। और मैं जैसे ही राइट में मुड़ा तो उसने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद जो फोर्स होती है गाड़ी की, उस फोर्स से वो गाड़ी आगे थोड़ी खिसकी, उससे मेरे को धक्का लग गया। तो बाइक नीचे गिर गई और बाइक में थोड़ी से डेंट आया है टैंक में, और मेरे को भी खास लगी नहीं है, मैं भी ठीक हूँ आपके सामने। तो इस तरह से कुछ एक्सीडेंट हुआ मेरा वहाँ पे। बस ये बताने के लिए, दो चीज़ें बताने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है अपडेट देने के लिए, दूसरा आपसे कोई गलती ना हो। जब भी दोस्तों आप कोई ऐसे लिंक रोड में छोड़ के कोई दूसरे रोड में जाते हैं, तो आपको जरूर से इंडिकेटर देना है। वहाँ पे गलती मेरी ये रह गई कि मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, मैं इंडिकेटर देना भूल गया, क्योंकि जो मेरे साइड वाले थे वो जा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ चले जा रहा था, तो मैं भूल गया कि इंडिकेटर भी मेरे को देना चाहिए। तो उसकी वजह से शायद उसको पता नहीं चला कि ये सामने जाएगा कि मुड़ जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट ले लेगा। तो वो जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से उसने कंटिन्यू रखा, और जैसे मैं राइट में मुड़ा, ब्रेक लगाई मैंने, तो उसने भी ब्रेक लगाई, लेकिन उतने को वो ब्रेक लगाने के बाद जो इम्पैक्ट होता है, जो गाड़ी स्किड होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो इस तरह से शुक्र करो मैंने पूरे गियर पहन रखे थे, जैसे हेलमेट वगैरह, और मेरे को ज़्यादा चोट नहीं आई। और बाइक में भी टंक, जो बाइक की टैंक होता है, उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ा है, जिसे आप वीडियो में सॉरी फोटो में देख पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसा था। उसके बाद मैं बाइक थोड़ी सी स्टार्ट करी, स्टार्ट होगी थोड़ी सी आगे की, बाइक बंद होगी, मैं डर गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई बाइक में। फिर चेक करवाई तो क्या हुआ था कि मैंने एक बार बाइक की चाबी गुम कर दी थी। जो बाइक की चाबी गुम करी थी, उस समय मेरे को लॉक खुलवाना पड़ा था, और लॉक खुलवाने के बाद वो वायर अंदर से शॉर्ट करवानी पड़ी थी। तो वो जब उन्होंने लॉक लगाया, दूसरे ने, जब मैं रूम में आ गया तो रूम में मेरे पास दूसरी चाबी थी, उसके बाद मैंने लॉक लगवाया वो दोबारा से, तो उसने ढंग से लगाया नहीं था, वो लूज़ लूज़ हो गया था, वो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक। तो मैकेनिक ने वो ठीक कर दिया, उसके बाद सब ओके हैं। तो बस यही अपडेट देना था दोस्तों, अभी मैं ठीक हूँ। और अभी आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, ब्लॉग और मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड। अगर आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना है, तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था।